अखंड भारत कई अद्भुतों की भूमि है। संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का मिश्रण है। भारत की भूमि ने दुनिया को कई महान शास्त्र दिए हैं। उनमें से एक हमारी मूर्तिकला है। हमारे मंदिर उन मूर्तियों के केंद्र हैं। हमारे देश में कई मंदिर हैं। प्रत्येक मंदिर अद्भुत है, फिर भी अलग है। भारतीय संस्कृति में मंदिर व्यवस्था का विशेष स्थान है। मंदिर सनातन धर्म के संरक्षण का आधार है। हजारों वर्ष पूर्व निर्मित मंदिर और मूर्तियां हमें उन दिनों की परंपराओं की स्मरण कराती हैं। इस पृथ्वी पर सभी में शिव है, यही अद्वैत तत्व है। हमारे देश में भगवान शिव के कई महान मंदिर हैं। उनमें से कुछ अद्वितीय हैं। हर मंदिर का अपना इतिहास होता है। ऐसे ही शानदार मंदिरों में भगवान रामलिंगेश्वर का मंदिर है, जो भारत का सबसे पुराना और सबसे प्राचीन मंदिर है। अनंतपुर जिले के ताड़ीपत्री में बुग्गा रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर सबसे गौरवशाली है। मूर्तिकला का एक सुंदर मंदिर ताड़ीपत्री जिला केंद्र अनंतपुर से 57 किलोमीटर की दूरी पर कर्नूल और कड़पा जिले के सीमाओं के करीब स्थित है। आइए जानते हैं कि इस मंदिर की क्या खास बात है। यह मंदिर पेन्ना नदी के तट पर है। त्रेतायुग में श्री राम द्वारा स्थापित लिंग होने के कारण रामलिंगेश्वर के रूप में पूजा जाता है। भक्तों से पूजा प्राप्त करने वाली रामलिंगेश्वर की मूर्ति त्रेता युग काल की है। मंदिर के पुजारियों के अनुसार श्री रामचंद्र ने रावण को मारने के पाप से छुटकारा पाने के लिए स्वयं देश में कई जगहों पर शिवलिंग स्थापित किए और यह स्थापित शिवलिंगों में से एक है। विजयनगर के राजाओं में कला के प्रति बहुत सम्मान था। उनके पास अपने प्रशासन के दौरान निर्मित कई इमारतों को कलात्मक रूप से बनाने का इतिहास है। रामलिंगेश्वर स्वामी के इस मंदिर को असमान रूप से अद्भुत मूर्तिकला के साथ बनाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। जब भक्त गर्भगृह में भगवान को देखते हैं तो मंदिर की दीवारों पर मूर्तियों से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। रामाचारी नामक एक शिल्पकार ने कुछ वर्षों तक कड़ी मेहनत करने वाले लगभग 650 लोगों की मदद से इस मंदिर का निर्माण किया है। मूर्तिकला की सुंदरता के अलावा इस मंदिर की खास विशेषता शिवलिंग है। सभी छोटे और बड़े मंदिरों के विपरीत यहाँ के शिवलिंग का आकार अद्वितीय है। साथ ही साल के पूरे दिन शिवलिंग के नीचे से पानी बहता है। बुग्गा का अर्थ बसंत है। बारिश न हो तो भी यह शिवलिंग के नीचे पानी बहता ही रहता है। यह मंदिर पूरी तरह से काले पत्थर से बनाया गया है। मुख्य गोपुरम से प्रवेश करने के बाद अंदर दो और मंदिर अच्छी तरह से स्थित है। कोदंड रामस्वामी मंदिर में मुख्य गोपुरम के समान एक दक्षिण की ओर का दरवाजा है। जबकि राजराजेश्वरी देवी के मंदिर का एक पश्चिममुखी दरवाजा है। वीरभद्र स्वामी का एक छोटा मंदिर भी है। उस समय के मूर्तिकारों ने स्थानीय रूप से उपलब्ध काले पत्थर से अद्भुत मूर्तिकला को जीवन दिया। शिल्पों में कुछ खजुराहो शैली और कुछ हम्पी वास्तुकला को देखा जा सकता है। इस मंदिर के तीन प्रवेश द्वार है। यहाँ मंडप चार स्तंभों पर बना है और प्रत्येक स्तंभ चार छोटे स्तंभों पर बना है। कहा जाता है कि इन चारों स्तंभों को छूने पर संगीत सुनाई देती है। मंदिर के निर्माण के दौरान महाद्वार और गोपुर का निर्माण बीच में ही रोक दिया गया था।
क्योंकि विद्वानों का कहना था कि काशी जैसा दूसरा मंदिर बनाना अशुभ है। यदि आप मुखमंडप के स्तंभों को स्पर्श करते हैं तो 7 स्वर प्रतिबिंबित होंगे। मंडप पर पत्थर के फूल हैं। मंदिर के दीवारों पर वराह, सूर्य, चंद्रमा और तलवार जैसे विजयनगर के शासकों की शाही मोहर है। दीवारों पर नृत्य की भंगिमा भी है और भगवान विष्णु के दशावतार की खूबसूरती से तराशी गई मूर्तियां भी हैं। हर साल रामलिंगेश्वर का ब्रह्मोत्सव माघ महीने के दिन से लेकर फाल्गुन महीने के दिन तक 11 दिन आयोजित किया जाता है। ऐसे मंदिर हमारे देश के लिए हमेशा गौरव का विषय रहेंगे। ऐसे मंदिरों की सनातन संस्कृति आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित की जाएगी। भगवान हर जगह है, लेकिन उनका रूप मंदिर में है। अगर आज की पीढ़ियां हमारे मंदिरों के अद्वितीय मूर्तिकला वैभव को जान के उनकी रक्षा करने में विफल रहती हैं, तो यह हमारे धर्म और हमारे देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति होगी। ईश्वर आस्था है, आइए इस विश्वास की रक्षा मंदिरों के रूप में करेंगे।